Love begets love and hate begets hate. अर्थात प्रेम से प्यार पैदा होता है और घृणा से घृणा ही पैदा होती है। मैं एस के मिश्रा शार्प करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं 19 वर्ड्स लाया हूँ आपके लिए, 19 शब्द जो आपके लिए नए होंगे। पहला शब्द नैनी। नैनी माने आया, घर में जो आया रखते हैं बच्चे के लिए, नैनी आया, बच्चे को पालने वाली आया। आई हैव हायर्ड ए नैनी फॉर माई चाइल्ड, मैंने हायर कर ली है, एक नैनी को रख लिया है, यानी एक आया को अपने बच्चे के लिए रख लिया है। आई हैव हायर्ड ए नैनी फॉर माई चाइल्ड, मैंने अपने बच्चे के लिए एक आया को रख लिया है, नैनी माने आया, NANNY। दूसरा शब्द है नेम सेक। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही नाम होते हैं दो व्यक्तियों, तो देखें इस पर सेंटेंस, जैसे धर्मेंद्र है, अमिताभ है, शाहरुख खान है, एक ही नाम दो लोगों के होते हैं, तो ऐसे कहते हैं नेम सेक, नाम राशि, नाम एक, यह अर्थ है। द फेमस एक्टर धर्मेंद्र इज माई नेम सेक, धर्मेंद्र जो प्रसिद्ध एक्टर है वो मेरा नाम राशि है। द फेमस एक्टर धर्मेंद्र इज माई नेम सेक, धर्मेंद्र मेरा नाम राशि है, जो एक प्रसिद्ध बॉलीवुड का एक्टर है। नेप, गर्दन के पीछे का भाग, गर्दन के पीछे का भाग नेप कहलाता है, NAPE, गर्दन के पीछे का भाग। आई हैव पेन एट द नेप, मेरे गर्दन के पीछे के भाग में दर्द है। आई हैव पेन एट द नेप, NAPE। अब नेम सेक की स्पेलिंग में बताई दे रहा हूं, नेम यानी साधारण नाम की अंग्रेजी, और उसके आगे है SAKE, नेम सेक। अब देखें नैपी, NAPY, नैपी। लंगोट, छोटे बच्चे के लंगोट को कहते हैं नैपी। यू शुड चेंज द बेबीज नैपी, यू शुड चेंज द बेबीज नैपी, आपको बच्चे का लंगोट बदल देना चाहिए। यू शुड चेंज द बेबीज नैपी, बच्चे के शिशु के का नैपी यानी लंगोट छोटे बच्चे का बदल देना चाहिए। नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म कहते हैं आत्ममोह को, इसकी स्पेलिंग देख लें, NARCISISM, इसका अर्थ बड़ा अच्छा है। ज्यादातर लोग अपने आप को ही प्रेम करते, आत्म मोह, अपना खुद का मोह, खुद को मोह करना यानी खुद पर मोहित रहना, खुद को प्रेम करना। सम पीपल सफर फ्रॉम नार्सिसिज्म, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्म मोह में जकड़े रहते हैं। अब अगला शब्द है नैग, बहुत बहुत ही अच्छा शब्द है नैग, NAG, नैग माने होता है तंग करना, कितना आसान शब्द है नैग। माई मदर कीप्स नैगिंग मी टू स्टडी, मेरी माँ मुझे हमेशा तंग करती रहती है पढ़ने के लिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। माई मदर कीप्स नैगिंग मी टू स्टडी, मेरी माँ हमेशा मुझे पढ़ने के लिए तंग करती रहती है, टिक टिकाती रहती है, ये अर्थ है। नेव, NAIVE, नेव, नेव माने होता है सीधा सादा सच्चा व्यक्ति, अनुभव ना हो जिसे, अनुभवहीन। नेव, ही इज टू नेव, वह इतना सीधा है, फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो क्रिकेट होती है उसके लिए अभी उसके लायक नहीं है, अभी बहुत सीधा है। ही इज टू नेव फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल नहीं सकता, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेल नहीं सकता, इतना सीधा है, अनुभव नहीं है उसको। नेडी, NEDDY, नेडी माने गधा, सीधा सादा। ही इज ए नेडी फेलो, ही इज ए नेडी फेलो, वह एक
बहुत सीधा साधा आदमी है, गधा है। He is a naddy fellow. NEDDY, naddy. Nefarious, nefarious को देखें, नवा शब्द है ये, nefarious. NEFARIOUS, nefarious. अति दुष्ट, जो बहुत दुष्ट होता है, उसके लिए nefarious बोला जाता है. He is a nefarious person. वह बहुत दुष्ट व्यक्ति है. That leader is a nefarious person. वह नेता बहुत दुष्ट व्यक्ति है, अति दुष्ट व्यक्ति है. Neophyte, neophyte माने नौसिखिया. NEOPHYTE, नौसिखिया, नया सीखा सिखाया, नया सीखा हुआ. He is a neophyte. वह अभी नौसिखिया है, अभी तो नया नया सीखा है. Neophyte, बहुत अच्छा शब्द है. He is a neophyte. वह एक नौसिखिया व्यक्ति है. मैक्रोनी, मैक्रोनी आपने खाई बहुत होगी, लेकिन कुछ लोगों को इसकी स्पेलिंग नहीं पता होगी, उच्चारण तो यही होता है. MACARONI, मैक्रोनी. इटालियन व्यंजन होता है ये, खाने का व्यंजन, इटालियन व्यंजन मैक्रोनी. द रेस्टोरेंट सर्व्ड हॉट चीज मैक्रोनी. रेस्टोरेंट सर्व, रेस्टोरेंट ने सर्व किया यानी बांटा. द रेस्टोरेंट सर्व्ड हॉट चीज मैक्रोनी, गरम चीज का मैक्रोनी रेस्टोरेंट ने सर्व किया, बांटा. द रेस्टोरेंट सर्व्ड चीज का अर्थ होता है पनीर, पनीर वाला, पनीर का बना मैक्रोनी रेस्टोरेंट ने सर्व किया यानी दिया, परोसा. सर्व माने परोसा, सर्व माने परोसा, सर्व माने परोसना. माचो, माचो माने मर्दाना. माचो, द यंग बॉयज, जो आजकल के जवान लड़के हैं, यंग बॉयज थिंक, सोचते हैं. थिंक माने सोचते हैं. इट इज माचो टू स्मोक, कि सिगरेट बीड़ी पीना तो मर्दाना काम है, मर्दों का काम है. माचो, मर्दाना. द यंग बॉयज थिंक, आजकल के नए लड़के, यंग लड़के सोचते हैं. इट इज माचो टू स्मोक, धूम्रपान करना, सिगरेट बीड़ी पीना मर्दों का काम है. मैकिंटॉश, मैकिंटॉश आपके लिए बिल्कुल नया शब्द होगा. बरसाती इसका अर्थ होता है, बरसाती, जो बरसात में ओढ़ी जाती है. शी वेयर्स ए रेड मैकिंटॉश इन रेन, बरसात में वह लाल रंग की बरसाती पहनती है. शी वेयर्स ए रेड मैकिंटॉश इन रेन, बरसात में वह लाल रंग की बरसाती ओढ़ती है, पहनती है, ओढ़ती है ज्यादा सही शब्द है. मॉल, मॉल तो आपने बहुत सुना होगा, आजकल तो जगह जगह मॉल खुल रहे हैं. इसकी स्पेलिंग अगर नहीं आती है, आप सुन ले आज. MALL, मॉल, मॉल इसकी स्पेलिंग है. MALL, फिर से सुन लें. मॉल, एक बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर पूरा बाजार हो, ऐसी बिल्डिंग मॉल कहलाती है. इसकी हिंदी ये हुई, एक बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर पूरा का पूरा बाजार हो, बाजार समाया हुआ हो, ऐसा ऐसे स्थान एक बड़ी बिल्डिंग को मॉल कहते हैं. A number of big malls are there. बहुत सारे मॉल वहां पर हैं. जैसे बड़े बड़े शहर जो हैं, उनमें बहुत बहुत मॉल होते हैं एक ही शहर में. A number of big malls are there. बहुत सारे मॉल वहां पर हैं. मैलिस, मैलिस माने होता है द्वेष, जलन की भावना. She did it. उसने ऐसा किया. उसने इसे किया आउट ऑफ मैलिस, जलन के कारण, द्वेष के कारण. मैलिस, MALICE. मैनेकिल, मैनेकिल माने हथकड़ी होता है. MANACLE, हथकड़ी, हाथों में जो पहनी जाती है हथकड़ी, यानी पुलिस जो पहनाती है हथकड़ी. हिज हैंड्स वर मैनेकिल्ड बिहाइंड हिज बैक.
उसके हाथ में पीछे को करके हथकड़ियां पहना दी गई। His hands were manacled behind his back. पीछे को उसके हाथ करके हथकड़ियां पहना दी गई। Mandible, mandible माने होता है जबड़ा। Mandible, lions have strong mandible. अर्थात जो जबड़े होते हैं शेर के वो बहुत मजबूत होते हैं। शेर के जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। Mandible, MANDIBLE. Tabloid, TABLOID. Tabloid, ये भी नया शब्द होगा आपके लिए। पत्रिका इसका अर्थ होता है, पत्रिका जो लेते हैं हम पत्रिका पढ़ने की। We get a tabloid every week. हर हफ्ते हम एक पत्रिका लेते हैं। We get a tabloid every week. Last word है tarantula. TARANTULA. Tarantula, बड़ी मकड़ी को कहते हैं, बड़ी मकड़ी। I saw a tarantula on the ceiling. सीलिंग किसे कहते हैं? CEILING. छत के नीचे का भाग जिस पर पंखा लटका रहता है, सीलिंग फैन कहते हैं। इसीलिए छत का नीचे का भाग सीलिंग कहलाता है। I saw a tarantula on the ceiling. हमने या मैंने छत पर एक बड़ी मकड़ी देखी। तो इस प्रकार से ये मैंने 19 वर्ड्स दिए हैं, 19 शब्द, और नए हैं ये, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नए होंगे। कैसी लगी मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।